नमस्कार दोस्तों, स्पैटिक सपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र मंडल और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल में कैसे लाइव टीवी देख सकते हो। तो इसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन। इस एंड्रॉयड एप्लीकेशन का नाम है HD स्ट्रीम्स और ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर कहीं नहीं मिलेगा। और इसको डाउनलोड करने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो या टाइप करके pankajbiri.com कर टाइप करके आप डायरेक्ट उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो इस एप्लीकेशन का खासियत ये है कि इसमें आपको थोड़ा वेट करिए और ये ओपन हो गया। तो इस एप्लीकेशन में आपको डिफरेंट कंट्री मिल जाएगा, इसको आप जब नीचे स्वाइप करोगे तो ये रिफ्रेश हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 19 कंट्रीज़ का टीवी चैनल सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जिसमें से मैं आपको यहाँ पर डेमो करके इंडिया का डेमो दिखा देता हूँ। तो ये इंडिया का चैनल सब है, यहाँ पर आपको नाम और उसका लोगो मिल जाएगा। अब जो चैनल आपको अपना पसंद आता है तो उसको आप क्या ऐसे प्रेस करके आपको यहाँ पर ऐड टू फेवरेट का ऑप्शन आप देख यहाँ पर देख रहे हो। और यहाँ पर देखिए कि मैसेज टोस्ट हुआ ऐड टू फेवरेट। यहाँ पर जैसे कि ये मैं DD किसान कर देता हूँ, एडिट टू फेवरेट। देखिए ये ऐसे करके आप फेवरेट चूज कर सकते हो। और ये डायरेक्ट आपको यहाँ पर आपका जो मेन स्क्रीन ओपन होगा वहाँ ये नीचे में आपका ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर इस एप्लीकेशन में आपको मल्टीपल्स लिंक्स मिल जाएंगे देखने के लिए। यहाँ पर ऑल क्वालिटी में जाके आपका जो मोबाइल नेटवर्क आपका कैसा है उसके अनुसार आप मोबाइल टीवी देख सकते हो। इस एप्लीकेशन में ये ऐड फुल स्क्रीन का ऐड आपको बार बार दिखाई देगा, तो यहाँ पर क्रॉस बटन में जाके क्लोज कर दीजिएगा। और आपका जो मोबाइल का नेटवर्क जैसा है वैसे अनुसार का, तो मैं यहाँ पर हाई कर लेता हूँ, उसके अनुसार ये देखिए लिंक सब टीवी शो का लिंक सब दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर आपको एक टीवी चैनल दिखा कर भी दिखा दूँगा। तो ये देखिए यहाँ पर मल्टीपल लिंक्स है, यहाँ पर आपका जो नेटवर्क है उसके अनुसार ये यहाँ पर भी चूज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं 288p का लाइव टीवी अभी यहाँ दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर कॉर्नर में आप देख सकते हो यहाँ कि KB आप यहाँ पर आपका जो डाटा यूज हो रहा है वो दिखाई दे रहा है और साइड में टाइम भी दिखाई दे रहा है। इसको आप फुल स्क्रीन करके भी देख सकते हो। ये देखिए ये पूरा फुल स्क्रीन हो गया। और नेटवर्क स्लो होगा तो आपका ये बफरिंग भी करेगा, तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ अभी। और ये देखिए अभी जितना आपका डाटा यूज होगा वो डाटा भी आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर इसको रिमूव करना चाहते हो तो इसके लिए आपको सेटिंग पे जाना है, बैक जाइए और यहाँ पर नेविगेशन व्यू में सेटिंग का ऑप्शन है। सेटिंग ऑप्शन में यहाँ पर आप नीचे इसको मैं काट देता हूँ। यहाँ पर डिस्प्ले क्लॉक और डिस्प्ले डाटा यूज़ का ऑप्शन दिया हुआ है, आप इसको ऑफ भी कर सकते हो। ठीक है, मैं पीछे चला जाता हूँ और उसके बाद हम फिर से चला के देखते हैं। तो मैं DD किसान चला के देखता हूँ एक बार। सर ये कभी काल सर्वर कनेक्ट नहीं होता है, तो इसके लिए आपको ये शायद कोई चैनल चलेगा भी नहीं। थोड़ा वेट कर लेते हैं तब तक ये शुरू हो रहा है, तब तक वेट कर लेते हैं। चलिए देखें, ये आपको यहाँ पर लाइव जो टीवी में दिखा देगा वैसे ही चल यहाँ पर देखें। आप इसको पॉज भी कर सकते हो जब अगर, और इसको प्ले भी करोगे तो वहीं पर से चलेगा ये बफरिंग। ऐसा नहीं कि मतलब टीवी में ये वीडियो कट होके वहाँ से फिर से बफरिंग करने लगा, ऐसा नहीं है। तो यहाँ से आपको आपका जो कैटेगरी देखना है वैसे जो आप कैटेगरी भी चूज कर सकते हो, न्यूज़ चाहिए स्पोर्ट्स चाहिए। तो ये एप्लीकेशन बहुत अच्छा है, सिर्फ इसका यही प्रॉब्लम है कि इसमें ऐड फुल स्क्रीन में आता है। अगर आपसे आपको कोई बात करना हो एप्लीकेशन डेवलपर से तो लाइव सपोर्ट में जाके आप बात कर सकते हो। आपको जीमेल आईडी अपना साइन इन करना होगा।
तो मैंने इससे बात किया था कि मतलब ये एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा एड्स हैं, इसको आप कम कर लीजिए। तो अब शायद अभी तो इसने कोई एक्शन तो नहीं लिया। तो उसने जवाब दिया था कि इसमें ये एप्लीकेशन फ्री है इसलिए इसमें ऐड आता है, तो इतना भी फुल स्क्रीन में ऐड नहीं देना चाहिए। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आए, और आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।